हेलो एवरीवन, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर 7 चांदनी। लाइक अदर गोट्स चांदनी टू मिस्ड द हिल्स। दूसरी बकरियों की तरह चांदनी भी पहाड़ियों को मिस करती थी। शी टोल्ड अबू खान, उसने अबू खान को बताया, शी मस्ट हैव हर फ्रीडम, कि उसको भी उसकी आज़ादी ज़रूर मिलना चाहिए। द स्टोरी ऑफ द डेंजरस वुल्फ इन द फॉरेस्ट, जंगल में एक खूंखार भेड़िए की कहानी भी डिड नॉट डिस्करेज हिम, उसकी हिम्मत को कम नहीं कर पाई। एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच द हिल टॉप्स बाथड इन द सनलाइट, हर सुबह चांदनी धूप से लबरेज, धूप से नहाई हुई उन हिल टॉप्स को देखा करती थी। हाउ ब्यूटिफुल दोज हिल्स आर, वो पहाड़ियाँ कितनी सुंदर हैं, शी थॉट, वो ऐसा सोचा करती थी। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू देम, कितनी ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, कितनी ज़्यादा तरोताज़ा करने वाली हवा है जो उन पहाड़ियों से होकर बहती है। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स, कितना अच्छा लगेगा जब उन हरे भरे खेतों से होकर आया जाएगा, यानी कि गुजरा जाएगा, उनसे होकर इधर से उधर दौड़ा जाएगा। आगे लिखा है, शी रैन टूवर्ड्स द हिल्स बट हैड टू स्टॉप विद अ जर्क, वो पहाड़ की ओर दौड़ती थी लेकिन तुरंत ही एक झटके के साथ वो रुक जाती थी। द रोप राउंड हर नेक, उसके गले में जो रस्सी पड़ी होती थी, वुडंट लेट हर गो एनी फर्दर, वो उसको आगे नहीं जाने देती थी। हाउ शी हेटेड दैट रोप, वो उस रस्सी से कितनी नफरत करती थी। आगे लिखा इसमें, शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास अबू खान ब्रॉट फॉर हर, वो हरी भरी घास जो अबू खान उसके लिए लाया करता था, उसने वो खाना बंद कर दी। नॉर डिड शी लिसन टू हिज स्टोरीज विद इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, अब वो अबू खान के द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियों को भी इंटरेस्ट के साथ, दिलचस्पी के साथ और प्रेम के साथ नहीं सुनती थी। शी लॉस्ट हर एपिटाइट, ग्रू वेरी थिन एंड स्टेयर्ड मूटली एट द हिल टॉप्स बाथड इन द सनलाइट, उसने खाना पीना छोड़ दिया, वो बहुत ज़्यादा पतली हो गई, दुबली हो गई और वो उदास होकर, मूटली का मीनिंग होता है उदास होकर, वो उन हिल टॉप्स को, पहाड़ की चोटियों को देखती थी जो कि धूप में नहाई हुई होती थी। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्विश, अबू खान को चांदनी की नाराज़गी समझ नहीं आ रही थी। एट लास्ट, आखिरकार, शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रेंकली, आखिरकार बकरी ने ये फैसला किया कि वो स्पष्ट तौर पे बात करेगी अबू खान से, और उसने कहा, डियर अबू खान, प्रिय अबू खान, शी सैड, बकरी ने कहा, लेट मी गो टू द हिल्स, कि मुझे पहाड़ियों पे जाने दो प्लीज़, इफ़ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड, कि अगर मैं तुम्हारे कंपाउंड में रहूँगी, आई विल डाई, तो मैं मर जाऊँगी। नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज़ प्रॉब्लम, अब अबू खान को चांदनी की जो प्रॉब्लम थी वो समझ में आ चुकी थी। बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी, लेकिन ये प्रॉब्लम समझ के अबू खान बहुत ज़्यादा उदास हुए। द अर्दन पॉट विच कॉन्टेंट चांदनीज ब्रेकफास्ट फेल फ्रॉम हिज हैंड एंड ब्रोक इन टू 1000 pieces, अर्दन पॉट का मतलब हुआ मिट्टी का बर्तन, विच कॉन्टेंट जिसमें रखा हुआ था चांदनी का ब्रेकफास्ट फेल फ्रॉम हिज हैंड, वो उसके हाथों से गिर गया एंड ब्रोक इन टू 1000 pieces, और वो हज़ारों पीसेस में, हज़ारों टुकड़ों में वो बर्तन टूट गया। आगे लिखा है, वाई डू यू वॉन्ट टू लीव मी चांदनी, अबू खान बकरी से पूछते हैं कि आखिर तुम मुझे छोड़ के क्यों जाना चाहती हो चांदनी। आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, चांदनी आंसर, चांदनी जवाब देती है कि मैं उन पहाड़ियों पर जाना चाहती हूँ। डोंट यू लाइक द फूड हेयर, आई विल गिव यू टेस्ट योर फूड एंड अ मच लॉन्गर रोप, अबू खान कहते हैं कि क्या तुम्हें वो खाना पसंद नहीं आया जो मैं तुम्हें यहाँ देता हूँ, मैं तुम्हें और टेस्टी फूड दूंगा और मैं तुम्हारी रस्सी को और लंबा कर दूंगा। इसके आगे लिखा है, नो थैंक यू,
नहीं आपका शुक्रिया, लेट मी गो टू द हिल्स। बकरी कहती है, अबू खान आपका शुक्रिया जो आपने मुझसे इतना कहा, लेकिन मुझे आप पहाड़ियों पर जाने दीजिए। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर। अबू खान कहते हैं, क्या तुम यहाँ से भागने का रिस्क नहीं समझ रही हो, तुम ये जोखिम नहीं समझ पा रही हो कि यहाँ से भागने का जोखिम कितना बड़ा है। यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर, तुम एक हठी, तुम एक ज़िद्दी क्रिएचर हो, एक ज़िद्दी प्राणी हो, ऐसा अबू खान बकरी को कहते हैं। देर इज़ अ डेंजरस वुल्फ इन द हिल्स, पहाड़ियों में एक बहुत ही ख़तरनाक बड़ा खूंखार भेड़िया रहता है। ही विल ईट यू अप, वो तुम्हें पूरा खा जाएगा। अबू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हर, अबू खान ने अपनी पूरी कोशिश कर ली उसको चेतावनी देने की, उसको वार्न करने की, लेकिन वो नहीं मानी। चांदनी आंसर्ड, चांदनी ने जवाब दिया, गॉड हैज गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्न्स, के ईश्वर ने मुझे एक जोड़ी सींग दिए हैं। आई विल फाइट द वुल्फ, मैं भेड़िए से लड़ लूंगी। इसके आगे लिखा है बच्चों, फाइट द वुल्फ इंडीड, हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलुआ हु वाज द साइज ऑफ अ बिग डियर। क्या वाकई में तुम भेड़िए से लड़ोगी, क्या तुम वो कहानी भूल गई अपनी बहन कलुआ की, जो एक बड़ी हिरन के बराबर थी, जिसका साइज एक बहुत बड़ी हिरन के बराबर था, उसकी कहानी को तुम भूल गई। शी फॉट द वुल्फ थ्रू द नाइट बट वाज किल्ड इन द मॉर्निंग। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बहन कलुआ पूरी रात भेड़िए से लड़ती रही, लेकिन सुबह होते ही भेड़िए ने उसको मार डाला। अबू खान नरेटेड कलुआज स्टोरी फॉर द 50th टाइम, अबू खान ने 50वीं बार उस बकरी की, उस कलुआ बकरी की कहानी को यहां पर सुनाया था। इसके आगे लिखा है, टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, इतना सब कुछ बताने के बाद चांदनी ने केवल इतना ही कहा, क्या कहा, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, मैं तो पहाड़ियों पर ही जाना चाहूंगी। अबू खान गॉट वेरी अनॉयड, अबू खान को बहुत गुस्सा आ गया। ही थंडर्ड, वो जोरदार आवाज में बोला, वो डांटते हुए बोला, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तुम कहीं नहीं जाने वाली हो, फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन अ स्मॉल हट, आज से तुम इसी छोटी सी झोपड़ी में रहोगी, एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड, अब तुम्हें पूरे कंपाउंड में घूमने फिरने भी नहीं मिलेगा। अनग्रेटफुल एज यू आर, तुम बहुत ज़्यादा एहसान फरामोश हो, यू मस्ट स्टिल बी सेव फ्रॉम द वुल्फ, लेकिन फिर भी तुम्हें बचाया जाएगा उस भेड़िए से। ही पुश्ड हर इनटू अ स्मॉल हट, उसने चांदनी को एक छोटी सी झोपड़ी में धक्का देकर बंद कर दिया, एंड शट द डोर, और दरवाज़ा बंद कर दिया। बट ही फॉरगॉट टू, लेकिन वो भूल गया, क्या भूल गया, टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, वो एक पीछे एक छोटी सी खिड़की थी, वो उस खिड़की को बंद करना भूल गया। द सेम नाइट चांदनी मेड दैट विंडो हर पैसेज फॉर टू द फ्रीडम, उस रात, उसी रात चांदनी ने अपनी आज़ादी के लिए उस खिड़की को अपना रास्ता बना लिया। तो यहाँ हमारा चैप्टर 7 का पार्ट 2 फिनिश होता है, पार्ट 3 को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।